सरदार कारगिल के शहीद होंगे उनके लिए भी हार्दिकतम श्रद्धांजलि वो शहीद हमारे जो की जो बहुत सीमाओं जान दी कारगिल उनको हम आज शायद दिए होता है उसको आपके सबके साथ मिल करके आप पर सरकार और शामिल करके और मेरी गवर्नर साहब से यहाँ और जो चुने हुए यहाँ के हमारे रावत जी हैं और उपाध्याय जी हैं तमाम और इंदिरा हृदेश हैं सबसे मेरा ये निवेदन है कि ये जो वर्किंग कमेटी और कैबिनेट में हैं ये सब हमारे सहयोगी पुराने ये सब आपके सुपन वालों की मांग का समर्थन करके इसको मंजूर करें। वो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस पार्टी में हैं क्या अभी भी? क्या सवाल पूछ रहे हैं? नहीं नहीं मैं क्योंकि जो मैं सवाल पूछ रहा था वो कांग्रेस से रिलेटेड था। ठीक है, मैं आजादी के लिए लड़ा हूँ जी, जी। हो रही है बैंकों में उसका समाधान जल्द किया जाए और जो 50 दिन का टाइम मांगा है जरूर दे देंगे, 50 दिन में उनको काम दिखा रहे हैं। मुझे आशा है कि श्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हमने इसीलिए उनको कहा है कि 50 दिन का समय देना चाहिए। तो क्या कुछ लोग कई लोग कह रहे हैं कि उनकी नियत खराब है इसके पीछे? नियत कैसे नियत का कहना कभी नहीं कह रहे आप मानते हैं कि उनकी नियत पे लो, बिल्कुल नहीं नियत नहीं नियत पे कुछ लोग कह रहे हैं कि नियत ही गलत है उन्होंने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया। नहीं बिल्कुल क्या आप इसको सही मानते हैं पिता? नहीं तो और क्या आप फैसला नहीं नहीं आप ये समझते हैं गरीबों को उनको राहत देनी पड़ेगी नोटबंदी का? ना जो आपने कहा था कल रात को आपने कहा था ना कि गरीबों को और जो मजदूरों को और श्रमिकों को और जो मध्यवर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय लोगों को बड़ी तकलीफ आ रही है उस तकलीफ को दूर करने के लिए उन्हें बड़े कदम उठाने पड़ेंगे आपने कहा था। बिल्कुल ठीक है। और जो धन्ना से उठाना पड़ेंगे उनके लेकिन उन्होंने समय मांगा है वो देना चाहिए हमारे उन्होंने 50-60 दिन मांगे हैं इस निर्णय के लिए जनता से 50 या 60 ऐसी कुछ मांगा है 50-60 दिन मांगे हैं उन्होंने 50 दिन ये देने चाहिए हाँ, लेकिन 50 दिन बाद उन्हें काम नहीं देना होगा तो फिर तो उनको बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे ना फैसले लेने पड़ेंगे। हाँ तो उनकी नियत पे शक जो लोग कर रहे हैं मैं आप सवाल उठा सकता हूँ आपकी ओर से आप करें नियत क्या नोटबंदी से क्या नियत खराब जी क्यों अपने लोगों नोट को अपना ये कहा कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी की नियत खराब है इसके पीछे ऐसे निर्णय के पीछे ये बिल्कुल कोई भी प्रधानमंत्री हो मनमोहन सिंह जी ने कहा खुद जो उनके पहले प्रधानमंत्री थे कि ऐसे कोई कदम उठा तो उसका हम स्वागत करते हैं। नहीं नहीं तो आप नियत पे सवाल नियत तो सवाल ही नहीं है नियत नियत इस पीछे आप समझते हैं नियत उनकी खराब हो सकती है ऐसा, तो, ऐसा आप समझते हैं? नहीं तो ठीक है पार्टी अपना अपना नीति के बारे में निर्णय लेने संविधान के अनुसार भारत के स्वतंत्र है तो उसमें निजी टिप्पणी नहीं करने आप हाँ निजी टिप्पणी उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते आप जो राहुल गांधी जी के बारे में सवाल पूछ रहे हैं पिताजी चाहते हैं कि आज क्रिकेट मैच नहीं देखा जाए क्रिकेट मैच स्टेडियम तक सीमित रहे आप यहाँ बैठ के जो हमारे उपनल कर्मी और यहाँ मैं सुना है निकलती मैं सही करूँ कि नहीं आपने आज नोटबंदी की वजह से या किसी किल्लत की वजह से बीमारी की वजह से नहीं आ पाए हैं पैसे की कमी होने की वजह से मुझे बताया गया कि बसों और रेलों का खर्चा नहीं है आने का एक बस तो मैंने किसी तरह करा दी अरेंज हल्द्वानी से पिताजी के आदेश पर वो वहां से रोक आए लेकिन आप बताइए वो लोग व्हाट्सएप से कितने आप मीडिया को बताइए व्हाट्सएप से कितने लोगों ने बोला है कि आज जो धरने पे हमारे भाई बैठे हैं उपनल के लिए जो पंडित जी और रोहित शेखर तिवारी यहाँ पे आके आए हल्द्वानी से यहाँ आए खास तौर पे अपने भाई तो आपकी सही जायज मांगों को पूरा करवाने के लिए नहीं तो ये सरकार चली जाएगी ये सरकार अगर आपकी मांग नहीं मानती है तो और भी बहुत सारे भाई अपनी पीड़ा लेके आ गए हैं मुझे पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ उठ रहा है तो ये धरना खत्म होना चाहिए आपको काम पर लौटना चाहिए वन टाइम सेटलमेंट या तीन साल में विभागीय संविधान या 5 साल में आपको नियमित कर दिया जाए जो 5 साल जिनके पूरे हो चुके हैं उनको नियमित किया जाए समाप्त करो वन टाइम सेटलमेंट।
सुने कि उपनल नाम का जो उपनल बनाया गया था, जो पिताजी ने और आदरणीय बीसी खंडूरी साहब ने जो उपनल बनाया था, वो भूतपूर्व सैनिकों उसका नाम पढ़िए, उपनल का फुल फॉर्म क्या है बताइए, कोई बता सकता है? भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम। भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम। तो इसमें सैनिक यहाँ पे कितने बैठे हैं? ये यहाँ पे सैनिकों के लिए वो बनाया गया था, उसको बंधुआ मजदूरी का और एक अपना पल्ला झाड़ने के लिए सरकार ने एक उसको माध्यम बना लिया, अजीब सा एक करार जो कि गैर कानूनी है, जो बंधुआ मजदूरी का एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपसे साइन करवा लिया गया कि नहीं बताइए? तो आपके मन वो बंधुआ उसको वो गैर वो संवैधानिक भी नहीं है, वो अवैध है, वो कानूनी भी नहीं है, लेकिन कानून की लड़ने की लड़ाई कौन लड़ेगा? आप जाके कहां से जाके लड़ोगे? आपको सीधे सीधे सरकार को ओटीएस देना चाहिए वन टाइम सेटलमेंट करके, और आपको एकदम से जिनके 3 साल पूरे हो गए हो उपना समाप्त किए, और हाँ ये सबसे बढ़िया बात तो मैंने पहले ही कहा था, इस उपनल को उठा के फाड़ दो, उपनल को जो उद्देश्य था उपनल का वो था हमारे वीर सैनिकों को सम्मान देने के लिए पिताजी ने और आदरणीय बीसी खंडूरी जी ने ये करवाया था 2004 में, ये उसी औचित्य के लिए करना चाहिए। उपनल शोषण का अब एक केंद्र बन गया है, सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं लेती है, विभागों को आपको सीधे तनख्वाह देना चाहिए, ओटीएस आपका कर देना चाहिए, और सीधे आपको विभागों में देना चाहिए, क्योंकि ये सब होनहार नौजवान है, ये सब होनहार लोग हैं, इनसे टेस्ट क्या लेंगे? अब कई अधेड़ उम्र के 20-30 साल से काम कर रहे हैं, उनसे क्या पैसा।